4x4 गाड़ी लेने से भाई ये खड़ी जिमनी। वाओ यार ये क्या 9 इंच का डिस्प्ले आ गया इसमें, वो नहीं है हैंड रेस्ट। जो देखो जो भाई पहले कह रहे हैं बहुत तगड़ी खींच रही। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस आज है ट्यूसडे एंड टाइम हो रहा है 3:40 ऑलमोस्ट, एंड गोइंग एट सुजुकी शोरूम नेक्सा। और नेक्सा किस लिए जा रहे हैं वो बताते हैं आपको भाई। तो क्यों ना एक बार भाई जिमनी भी देख लिया है टेस्ट राइड के लिए। तो भाई जिमनी पे क्या है, अभी बहुत तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। जिमनी हुई, हाइलेक्स हुई, ह्यूज डिस्काउंट है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। ऑलमोस्ट नहीं तो जिमनी पे अराउंड 3 लाख का डिस्काउंट है और हाइलेक्स पे 5 लाख से ऊपर का डिस्काउंट है। तो समझ सकते हो भाई मैं क्यों इतना ऑप्शन देख रहा। वैसे तो थार अभी नई लॉन्च है, बट एक बार यार 4x4 का अगर जिसको भी क्रेज है ना, तो जिमनी भी एक बेटर ऑप्शन है। मतलब बहुत गाड़ियों के कंपैरिजन में जिमनी का जो टॉप मॉडल पड़ता है वो अराउंड 13 लाख के करीब पड़ता है। फीचर उसमें इतने कुछ नहीं है, बट एक 1.5 लीटर पेट्रोल, उसमें डीजल नहीं आता है, सुजुकी ने डीजल बनाना बंद कर दिया है। तो भाई चलो देखते हैं यार, बहुत एक्साइटमेंट है। एक बार 4x4 गाड़ी लेने से पहले एक बार सबकी टेस्ट ड्राइव ले ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबकी टेस्ट ड्राइव लेना इसलिए जरूरी है भाई, बाद में लेने के बाद कोई गिल्ट ना रहे अरे यार एक बार वो टेस्ट ड्राइव कर लेते, एक बार ये और टेस्ट ड्राइव कर लेते। क्योंकि अगर आप 4x4 कार देख रहे हो, मतलब कोई भी थार 3-डोर हुई, रॉक्स हुई एंड हाइलेक्स हुई, हाइलेक्स क्या है बहुत ज्यादा ओवर बजट जा रही थी 41 लाख का, और जिमनी सही है 5-डोर में जो 13 लाख के समथिंग आती है, और थार 3-डोर की भी अराउंड वही कॉस्ट है लेकिन रियल व्हील ड्राइव आएगी इतने में, और रॉक्स का तो अलग ही है। रॉक्स इन दोनों के मिड में स्टे कर रही है 4x4 में, आती स्कॉर्पियो भी है लेकिन हार्डकोर ऑफरोडर जिमनी, हाइलेक्स एंड थार अपनी है, थार 3-डोर और थार रॉक। तो भाई चलो यार एक बार सब ऑप्शन को स्क्रैच करके देख लिया है भाई, कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो चलो भाई अभी हाईवे पे ही खड़े हैं जस्ट, और सीधा कार में बैठते हैं और निकलते हैं। तो बहुत धूप है, दिख नहीं रहा होगा। A few moments later. भाई ये खड़ी जिमनी, मतलब चलो अंदर जाके बात करते पहले, फिर देखते हैं इसकी वो टेस्ट ड्राइव लेंगे। वाओ यार ये कलर भी अच्छा लग रहा है जिमनी का। तो ये टॉप मॉडल है भैया? ये टॉप मॉडल है। अच्छा अल्फा, इसमें कौन कौन से आते मॉडल? इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जेट आता है और अल्फा, बस बीटा नहीं आता। बढ़िया लग रही है, रूफ पूरी ब्लैक है। ये क्या नया कलर है क्या? अच्छा ऑलमोस्ट आती है, ये ग्राफिक अलग से लगाएगा। अच्छा ये उसमें है एसेसरीज पार्ट है। ओके ये ड्यूल टोन में आता है ये वाला, ये सिर्फ यही वेरिएंट आता कि और भी आते? टॉप मॉडल में कलर कौन कौन से ऑप्शन है? कलर आप ग्रे, आप काइनेटिक येलो ले सकते हैं। अच्छा भी आता है। ओके ब्लू भी आता है। ये आपका रेंज की टायर आ गया, इसमें 16 आता, वैसे 15 आता शायद। अलॉय व्हील्स आ जाएंगे आपको, और आपका इसका रेडियल कितना है? इसका रेडियल आपका 15 है, 195 R15 है भाई साइज। ये इस पे डिस्काउंट भी अभी काफी है ना, टोटल डिस्काउंट 2.5 लाख का है। अच्छा प्लस मारुति का, मारुति का डिस्काउंट MSSF का 1.5 लाख रुपए। हाँ प्लस आपका जो मारुति की तरफ से चल रहा है 1 लाख, वो प्लस 2 लाख का टोटल डिस्काउंट मिला के 2.5 लाख के समथिंग जाएगा। कीलेस एंट्री वाला क्या बोलते हैं इसको, रिक्वेस्ट सेंसर, ये पूरी आपकी बन जाएगा पूरा, तो काफी हो जाएगा। सिर्फ बूट साइज कितना है? बूट साइज आपका 200। ओके पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। अच्छा जी 60-40 स्प्लिट है सीट। हाँ, ये बहुत सही है। हाँ इसमें आराम से लगेज आ सकता, बस थोड़ा सा हाइट। हाइट भैया देखिए एवरेज में परफेक्ट गाड़ी है। सबसे अच्छी चीज क्या है, थार में अलग खोलना पड़ता वो, तो इसमें पूरा एक ही खुल जाएगा। अच्छा 4 डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, ये है जो एसेसरीज वाला पार्ट है कि एसेसरीज के लगे हैं। अच्छा जी ये थोड़ी सी चढ़ने में इसमें वो नहीं मिलेगा अपन को, क्या कहते हैं नीचे प्रेस्ट। भाई कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, डिस्प्ले आ गया, पार्किंग कैमरा आ जाएगा, ऑटो क्लाइमेट एसी आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट एंड रियर, और ये इसका विंडो अप डाउन का ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, आपके वॉइस कमांड रहेंगे। अच्छा टर्न से स्टार्ट होगी, 9 इंच का डिस्प्ले आ गया, पार्किंग कैमरा आ गया, 6 एयरबैग आ जाते हैं, 6 एयरबैग 4x4 में, ये आपके 2H 4H 4L। अच्छा ये ये अच्छा है, लीवर दिया, वरना हाइलेक्स में देखने गया था उसमें यहाँ पर नॉब दिया था, उसमें फीलिंग नहीं आती, इसमें ज्यादा अच्छा है। ये 4L, ये 2H और पीछे वाली विंडोज के कंट्रोल यहाँ है, ये थोड़ा सा वो नहीं है आपने जिप्सी में देखा होगा बैठे होगे कभी, बिल्कुल वैसी। ये इनके हिल डिसेंट कंट्रोल दिया है, मोड ओड, ग्लव बॉक्स का साइज देखें भाई, ग्लव बॉक्स काफी छोटा है। ये इनका ग्रैब हैंडल बहुत तगड़े से, और ये स्पीकर वाटर बॉटल नहीं आ पाएगी यहाँ पर, देखना पड़ेगा एक बार टेस्ट ड्राइव अभी होगी तो उस पर बातचीत करेंगे। एक बार पीछे वाली सीट पर चलते देखते हैं सब गाड़ियों को भाई, एक बार ट्राई करके देख लो तो ज्यादा अच्छा है। ओ वाओ इसकी सिटिंग से, ये वाली सिटिंग थोड़ी सी अपर साइड है, ये देखो ये कैसे सेट की है, देखो विंडो के हैं ये यहाँ पे विंडो का है, पीछे लाइट को है, एक पूरी हैलोजन लाइट दी है इसमें, थार में और हाइलेक्स में, हाइलेक्स में भी शायद से LED नहीं है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है इसमें, वो नहीं है हैंड रेस्ट रखने का, नहीं होता वो ज्यादा अच्छा रहता है हैंड रेस्ट वाला सीन। यहाँ से अब एक्सेस कर सकते हैं बूट को, ये सीट बेल्ट दिए है साइड में, 3 लुक नहीं बन पाएंगे और हम थोड़ा सा ज्यादा है इसका इन कंपेरिजन
विद थार और हाइलेक्स, हाइलेक्स में भी पीछे बीच में वो नहीं था भाई। गेट की बिल्ड क्वालिटी तो लाइट है इसकी, ये बात तो है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी है और रिक्वेस्ट सेंसर उस साइड भी है। हाइट एडजस्टमेंट ये थार में ऑटोमेटिक दे दिया अभी। अच्छा इसका क्या है, जिसको ऑफ रोडिंग करनी हो ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं ना, ये आपने देखा होगा बिल्कुल मैच है, जे जिप्सी जो आती है ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा, बिल्कुल जिप्सी टाइप का ये फील आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं इनके, स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है, IRVM दोनों के बहुत बड़े रहे। लेकिन भाई सही है यार, अच्छी लग रही बैठने में यार, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत हल्की गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑटो डिमिंग नहीं होगा, मैनुअल है इसका। LED हेडलैम्प है टॉप मॉडल में, ये ग्रिल बहुत प्यारी लगती, आगे से लगती गाड़ी अच्छी है, मतलब छोटू सी और बढ़िया, कहीं भी कॉम्पैक्ट साइज है कहीं भी निकाल दो है। ये वैसे कलर अच्छा लग रहा है यार, बेकार नहीं लग रहा। तो ये 1.5 लीटर डीजल पेट्रोल है, टर्बो नहीं है भाई। सही हाइट है यार इसकी, टायर साइज थोड़े से पतले लगेंगे अगर आप थार के कंपैरिजन में दोगे, कि थार कंपेयर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करोगे तो दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वाइब्रेशन आ रहा है इस पर, देखो मूवमेंट कर रही है। ये ऑटोमेटिक वन टच, देखो वन टच है। ट्रैक्शन, ये ट्रैक्शन का ऐसा है हिल्ड होल्ड। तो चलो पहले गियर लेते हैं भाई। इसमें ऑटोमेटिक नहीं आती ना? नहीं, ऑटोमेटिक है नहीं है वो। तो ये अपन चला रहे पेट्रोल इस रूट पे भाई, इतना उल्टा आता है इंसान। ओह वाओ पिकअप तो अच्छा है यार। अभी ऐसा होता I20 चला के है ना शायद, इसलिए लग रहा। तो ये इसके कंट्रोल दिए हैं यहाँ पर कुछ भाई। 4x4 गाड़ी का मजा अलग है यार, इसमें शायद 4x4 ही आते हैं सारे मॉडल। भैया बैठे, भैया क्या नाम है? अजीत भैया, आज टेस्ट ड्राइव पे ले आ रहे हैं। भैया टेस्ट ड्राइव चल रही है आजकल हमारी गाड़ियों की, पता भाई टाइम हो गया 4:06। इसके लिए जो ओल्ड स्कूल वाला है ये दिया, इससे आप चेंज कर सकते हैं एवरेज स्पीड कितनी आ रही है और कितनी टाइम ड्राइव की है गाड़ी को, और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या चल रही है इसकी, 12 का दिखा रहा है भाई एवरेज। भाई बिल्कुल जिप्सी जैसी फील आ रही है हमको। जिप्सी चलाई आपने? जिप्सी थोड़ा सा हाईवे पे लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। एक तो धूप बिल्कुल ऑपोजिट में आ रही है यार, बिल्कुल ऑपोजिट में आ रही है। टीवी 4x4 पे बैठ जाओ, हाइट अच्छी लगती। थार की और हाइलेक्स की हाइट थोड़ी सी और ज्यादा है इससे। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है? चलो ठीक है, हम यहाँ पे लगा देंगे, हमको पता नहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा भाई देख के चलाओ। टेस्ट ड्राइव में भी हमने देखे हैं बहुत से लोग पेल पाली कर देते है ना। भाई पहले गियर में तो अच्छी पावर है, वैसे फैमिली भी पीछे बैठ सकती, बस यहाँ पे दिक्कत है ब्रूनो की बैठने की, ब्रूनो का थोड़ा सा दिक्कत होगी बैठने में। बाकी तो है गाड़ी, मतलब इंजन की नॉइज हल्की हल्की आ रही, ज्यादा नहीं आ रही। एक हाथ से गियर चेंज करना और ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ में एक हाथ से भाई ऑटोमेटिक ही कर सकते, इसमें ऑटोमेटिक वर्जन नहीं आता। आता है ऑटोमेटिक का मजा अलग है यार। लेकिन इतनी बुरी आदत हो गई दो दिन में ऑटोमेटिक चला के, मैनुअल में मजा नहीं आ रहा। ओल्ड स्कूल वाली फील आई बिल्कुल देख के। इसमें एप्पल कार प्ले ये सब तो रहता ही होगा, जब तब तक नहीं चलेगा जब तक हम वो नहीं करेंगे। तो इसकी डिस्प्ले ऐसा देगी, ऑफ रोडिंग की शायद नहीं आ रही। इस पे भी रेंज डेट वेट सब आ रही है FM से रिलेटेड। ब्लैक फील हो रहा है, हैंड रेस्ट रेस्ट नहीं मिल रहा एल्बो को। पावर थोड़ी कम है, अगर आप हैवी गाड़ियाँ चला के आ रहे बड़ी तो थोड़ा सा आपको पावर लैग लगेगा। फर्स्ट गियर में पावर अच्छा है, मतलब अच्छा खींच रही है। सेकंड गियर में थोड़ा सा, और थर्ड फोर्थ में थोड़ा ओवरटेकिंग में थोड़ा स्लो होता है। जो देखो भाई पहले गियर में बहुत तगड़ी खींच रही है। कलर लगता गाड़ी का अच्छा है यार, देखो मतलब अच्छी यार हाइट पे आ रही, देखो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर कार तो फिर भी लो आती है, ऑफ रोडिंग वाले टायर है बिल्कुल। अगर जिसको ऑफ रोडिंग करनी है ना तो यही रिम डालो, 15 इंच के हैं शायद से ये, और ब्रिजस्टोन के टायर आ रहे हैं। हाँ ब्रिजस्टोन के हैं ये, अपना मस्त। ये लो मॉडल है, ये कौन सा है? बीटा जेटा मॉडल है ये भाई। तो जेटा में सिर्फ पार्किंग सेंसर मिलेंगे, टच स्क्रीन मिलेगा, स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा इसमें, और एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। पेट्रोल की टैंक इस साइड है, और ये पूरा एक साथ खुल जाता है। अभी दिखाएं आपको यहाँ पर, ये देखो
ये चीज बहुत अच्छी है, अपना बैग चलाएगा आएगा नहीं बार बार, अगर हवा भी चल रही है अच्छी खासी। ये इनका बूट स्पेस है, अच्छा खासा बूट स्पेस है, लाइट दी है बूट स्पेस में। लेकिन यार ब्रूनो अगर खड़ा होगा ना तो यहाँ पे आएगा, वो थोड़ी सी हाइट इसकी कम है। अच्छा इसमें सनरूफ वनरूफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये देखो भाई क्या टेस्ट व्हीकल की क्या हालत हो जाती देख रहे हैं। अच्छा बोलती भी है प्लीज टैंक फुल इमीडिएटली फास्टन योर सील बेल्ट। अच्छा पीछे हर एसयूवी का ये बहुत अच्छा रहता आईआरवीएम। 3 लाख का डिस्काउंट भाई, जिसको भी लेना है अगर बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। नेक्सा शोरूम पे आ जाओ, झांसी का विजिट कर लो, बस आपको भैया मिल जाएंगे, टेस्ट ड्राइव करवाएंगे, बस भैया से कुछ पूछना नहीं है। रोल भी है इसमें, थार रॉक से कंपेयर कर रहा है, थार के अकॉर्डिंग तो सही है। ये आ गई थार, देखो बगल में बैठे तो इतनी हाइट पे ही है यार। अगर भैया आप बताओ कौन सी लोगे, थार कीजिए। स्पेस तो ऐसा कुछ है नहीं है, सबसे ज्यादा जी लग रहा है यार, वाइब्रेशन आ रहा बिल्कुल, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप की फील आ रही है। ये तो खाली खाली सा है, कप होल्डर ही दे देते यहाँ पे कम से कम। ये तो अपने मतलब की है कि नहीं है पता नहीं। One hour later. चलो भाई फाइनली अपन ने नेक्सा के शोरूम पे जिमनी की भी टेस्ट ड्राइव ले ली, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया माइंड भाई किस में जाना है, किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है, मतलब अप्लाई इन द सेंस किस कौन सी गाड़ी बेस्ट है फैमिली पर्पस से। और मनी वाइज तो देखो भाई इंपैक्ट ये अच्छी है, अगर पैसों की वजह से देखो तो ये थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जो भी 4x4 लेने की सोच रहा है तो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी ये वाली है भाई, जिसको भी लेनी है तो अभी आके हाल कर ले सकता है। ग्रीन कलर की 3 लाख का डिस्काउंट करके ये आपको पड़ेगी कुछ 12.5 या 12.60 के समथिंग। बताओ सोचो, लॉन्च हुई थी अराउंड 19 लाख पे, 18, 17, 16 ऐसी लाख आ रहे थे, अब देखो कितना कम हो गया भाई। एक शोरूम थी इसकी शायद से 16-17, देख रहे भाई। फीचर्स के नाम पे इतना तो कुछ नहीं मिलेगा, जितनी मेरी i20 में उतना ही है फीचर्स लगभग, ऐसा मेरे को लग रहा है। मेरी i20 का इंटीरियर थोड़ा उससे ज्यादा बेस्ट है। ओ वाह यार बहुत गर्मी हो गई। SUVs के स्टेयरिंग इतना लाइट हो रहे कि i20 का स्टेयरिंग हार्ड लगने लगा यार, उसको चलाने के बाद ये बहुत हार्ड लग रहा। अबे यार इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और इतना लाइट स्टेयरिंग, थार का तो जिसमें हद ही लाइट है। तो भाई ये बात तो हम समझ गए कि कौन सी गाड़ी लेना बेस्ट होगा मेरे लिए। जिमनी में मजा नहीं आया यार, मतलब ना ड्राइविंग में ना मतलब उसके साइज में। हाँ सिर्फ एक चीज में अच्छा लगा मेरे को, जो उसके पैसे हैं, मतलब यार बहुत कम रेट में 4x4 किसी को लेना हो तो जिमनी बेस्ट ऑप्शन है। तो देख सकते हो जिमनी, बट यार हमारा तो जो है कि ना हाइलक्स जितना इतना बजट पे जाना है, ना जिमनी जितना लो बजट पे आना है 4x4 में। थार रॉक्स उसके मिडिल में बिल्कुल सेट है, फैमिली कार भी है, 4x4 भी है, लुक भी है, बड़ी भी है, हर चीज उसके साथ एक्यूरेट है एकदम। तो मेरा डिसीजन तो ऑलमोस्ट मैंने बना लिया, देखते हैं क्या है। अभी तो टाइम है, बुकिंग करेंगे 3 अक्टूबर को, उसके बाद देखते हैं कितने टाइम में आती है। तो आई होप गाइज आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जिसको भी लेना हो तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे को गाइडेंस मतलब अच्छे से उन्होंने बताया हर चीज। तो ये है सौरभ शर्मा, उनसे आप बात कर सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर है ये। और अभी मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये उन्होंने दी है कितने की पड़ेगी, कितने का डिस्काउंट है, मैं सब इसमें बता रहा हूँ। जिमनी अल्फा वेरियंट 4x4 पेट्रोल, ये 13 लाख ये पड़ रहा है। TCS चार्ज है कुछ इंक्लूडिंग इंश्योरेंस है 42,000 का, एंड देन RTO है 1,40,600 का, एंड बेसिक किट लगी हुई थी। ये वही वाला मॉडल बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे लेमन वाला खड़ा हुआ था। ये पड़ेगी ऑन रोड 15,95,000 की कुछ, इस पे ऑफर है 1 लाख का। इसके बाद मारुति की साइड से 1 लाख का ऑफर है, 1,50,000 का, 40,000 का डिस्काउंट है। नेक्सा का शोरूम जिसका है उसकी साइड से ऑफर है, उसके बाद आपको पड़ेगी 13,05,517 की। ये 30th September का है ये 2024। इसमें अगर आपको 40,000 की वो हटानी हो एसेसरीज तो वो हटवा सकते हो, तो और कम का हो जाएगा। तो भाई प्राइस वाइज तो जिमनी बहुत बेस्ट है, किसी को ही लाना हो तो ले लो भाई, क्योंकि हमारे टाइप की तो नहीं है ये गाड़ी।